Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery session. And the topic for today is lifelong consistent cash flow. ऐसा क्या करें? ऐसा क्या करें जो आपके बिजनेस के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर जो कैश फ्लो है ना वो कंसिस्टेंटली हमेशा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबंडेंस के अंदर अवेलेबल है. आज ये ना स्पेसिफिकली टॉपिक मैंने चूज किया है आपके लिए जो कि इंस्पायर्ड है फ्रॉम अर्ल नाइटिंगेल. पूरा क्रेडिट जाता है अर्ल नाइटिंगेल को जिनका ना द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट किस तरह से वेल्थ क्रिएट करनी है. अच्छा तो शुरू करते हैं. आज का टॉपिक बड़ा क्विक रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा और आप पूरी तरह से इसको एंजॉय करने वाले हैं जो मेरे साथ लाइव है और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो अमेजिंग 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 हमेशा की तरह लाइक करेंगे. तो बात करते हैं किसकी, टॉपिक की. जो टॉप 5% है, कौन टॉप 5% ह्यूमैनिटी है ना. चलो एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं. कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज की डेट में जब आप देखते हो लोगों की वेल्थ के बारे में, वो कैश रिच है, फाइनेंशियली फ्री है, तो ह्यूमैनिटी में ना जो टॉप 5% लोग हैं जिनके पास अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल है, भाई क्या कर रहे हैं वो कैसे यूनिक है, कैसे डिफरेंट है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ के अंदर, बिजनेस के अंदर. जो टॉप 5% है ना वो कैश रिच लाइफ लीड कर रहे हैं. समझने के लिए कैसे करेंगे कि ये ना 5% लोग कौन है. एग्जाम्पल के तौर पे अर्ल नाइटिंगेल ने बताया, डाटा के बेस पे, मतलब रियल स्टडी हुआ और उस स्टडी के ऊपर आप भी देखना, आप एक्सपीरियंस करोगे कि जब कोई 25 इयर्स की एज पर है ना, 25 साल की एज में है, अब वो कमाने के लिए तैयार है, अब उसकी ना स्कूलिंग हो गई है, एजुकेशन हो गई है और अब उसकी एज बढ़ती जा रही है, 25 साल की एज पे खड़ा है, यंग है, एनर्जी है, मतलब कि जीवन में ना कुछ कर गुजरने की तमन्नाएं हैं आगे बढ़ने की. अब अगर ऐसे 100 लोग स्टार्ट करते हैं पैसा कमाना, तो जब वो 65 इयर्स की एज पे पहुंच रहे हैं ना, 65 ईयर की एज पे, 25 साल पे शुरू किया मान लो और वो 65 ईयर पे पहुंचे हैं, इन 40 सालों में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इन 100 लोगों में से मात्र 5% लोग ही हैं जो कि कैश रिच है. मात्र 5% लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट अवेलेबल मनी अवेलेबल है. तो ये बाकी 95% लोगों के साथ भी क्या हुआ, रिसर्च ने क्या बोला कि 65 साल की एज के अंदर 1% लोग रिच हैं, 4% कितने, 4% फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं 100 में से, बाकी 5% हैं अभी भी वो जॉब कर रहे हैं. 36% लोग तो 65 ईयर की एज तक आते आते एक्सपायर हो गए और 54% बहुत बड़ा नंबर 54% अभी भी पुअर हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है. ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटी का चक्र है, साइकिल है, उसके अंदर इसी तरह का डाटा निकल के आ रहा है. अब देखो जरा आपने अराउंड देखो, आज भी ये सच है, आज भी इस तरह से सच है. तो ये कौन है 95% लोग जो कि कैश रिच नहीं हो पाए और कौन है 5% जो रिच हो पाते हैं. देखो एक मास्टरी की हम बात करते हैं. मास्टरी क्या होती है, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और ना आपको मौका मिले कि आप 8 घंटे लगातार क्रिकेट खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, ना केवल सारा दिन प्रैक्टिस करते रहे बल्कि हफ्ते के 6 दिन अगर आप क्रिकेट खेलते रहे, और मान लीजिए साल के 52 हफ्ते आपको यही काम करना है, और मान लीजिए 40 सालों तक ये काम करना है, तो मास्टरी हो जाएगी, मास्टरी हो जाएगी, हो जाएगी मास्टरी.
जबरदस्त तरीके से भाई किसी भी फील्ड में हो, वो पियानो बजा रहा है तो पियानो का सुपर स्पेशलिस्ट हो जाएगा। अगर कोई गाने की प्रैक्टिस करता है, इतनी इतनी प्रैक्टिस करता है, एक ही काम को बार 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 रिपीटेड तरीके से करता है, उसका मास्टर हो जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 54% 100 में से आज भी लोग पुअर हैं और डिपेंडेंट अदर्स हैं, तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर तो यही किया ना, 25 साल की एज में मान लो अपना करियर स्टार्ट किया, 65 साल की एज के अंदर आ गए हैं, तो वो भी तो वो दिन के 8 घंटे अगर वो काम कर रहे हैं और 6 दिन काम करते हैं और 52 हफ्ते काम करते हैं और पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं तो ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि मास्टरी हो ही नहीं पा रही है। वही बिजी 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 उस बिजी लाइफ के अंदर ही पूरी की पूरी जिंदगी निकल गई है। बड़ा गहरा पॉइंट है, जरा ध्यान से समझो इस पॉइंट को कि उसी तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन क्यों? क्योंकि इट इज ए मैटर ऑफ प्लानिंग। आज ना आपको अर्ल नाइटिंगेल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, जो कि ना कैश फ्लो मास्टरी के अंदर मुझे बहुत 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 इंस्पायरिंग लगा, तो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ गया। तो बात क्या यहाँ पे निकल कर आई, अगर मान लीजिए उनकी एनुअल इनकम एवरेज 6 लाख रुपए है या उससे एवरेज 6 लाख रुपए है, तो कमा रहे हैं एनुअल का भी, तो भी ये पैसा जाता कहाँ पर है, ये सारा पैसा कहाँ चला जाता है? 6 लाख होगी 7 लाख होगी 10 लाख होगी, 54% लोग कमाते भी हैं तो कहाँ खर्च हो जाते हैं? जब हम 8 घंटे 6 हफ्ते 6 दिन 52 हफ्ते 40 साल तक एक ही काम को कर रहे हैं, फिर भी आज पुअर या कैश फ्लो की मैनेजमेंट से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये ना प्लानिंग का मैटर है, प्लान नहीं कर रहे हैं। अब जरा पॉइंट समझना, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि गलती कहां पे हो रही है, हम सोचते नहीं है, वी डोंट थिंक, बस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको रिपीटेड तरीके से करते चले जा रहे हैं। जैसा कल था वैसा आज है, कल ऐसा क्या किया था और वही हम आज उसको रिपीट करने वाले हैं, वही उसको कल रिपीट कर देंगे, वही इंस्पायर्ड है लाइफ कहां से, बस जैसे बाकी लोग कर रहे हैं ना, कि जॉब करनी चाहिए तो कर रहे हैं, पढ़ाई करनी चाहिए तो कर रहे हैं, सभी लोग इंजीनियर बन रहे हैं तो बन जाओ, डॉक्टर बन रहे हैं तो बन जाओ, ट्रेडिंग का काम सभी लोग करते हैं तो हम भी कर लेते हैं, और क्या करें, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं तो खोल लो, क्या ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक, बस जो अदर्स कर रहे हैं, जैसे आसपास हल्का हल्का ऊपर ऊपर से जो पता है, उसी चीजों को बिना सोचे बिना दिमाग लगाए बिना उस चीज की मास्टरी किए बस जो कर रहे हैं ना वो करते जाएंगे। आप पीछे मुड़ के देखना, 1 साल के ऐसे बहुत सारे दिन हैं कि जब आप सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुआ, नाश्ता किया, काम पे लग गए, रात हुई, खाना खाया, सो गए, फिर दोबारा से वही चक्र 40 सालों का चक्र ऐसा निकल जाता है लाइफ का कि कोई आउटकम निकल के आ नहीं रही है, क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग, बस भीड़ को फॉलो कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? अर्ल नाइटिंगेल कह रही है इस बारे में। ओ माय गॉड, तो ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ये लाइफ किधर और किस तरह से लीड हो रही है, स्कूल कॉलेज जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, 40 साल तक चलता जाएगा, 65 साल की एज के अंदर फिर वही फार्मूला आके खड़ा हो जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, ये जिसके अंदर 5% लोग रिच होंगे और बाकी 95% या तो दुनिया में नहीं रहे या वो पुअर है और दूसरों पे डिपेंडेंट है, बस ये लाइफ का साइकिल घूमता चला जाएगा। ऐसा अब प्रेजेंट करा दिया है क्योंकि हम सोच नहीं रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या करें, व्हाट टू डू? अब यहां पर पॉइंट आता है कैश फ्लो की मास्टरी का, कैसे ये लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट कैश फ्लो बना रहे, क्या करें जगमोहन, अपना बिल्कुल पहेलियां मत बुझाओ, ये कॉन्टेक्स्ट हमें क्रिएट हो गया, फैक्ट हमें पता लग गए हैं, करें क्या, सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग।
डोंट जस्ट फॉलो एज इट इज, जो कि भीड़ कर रही है, जो क्राउड कर रही है, जो हमारे आसपास हो रहा है, बस हो रहा है तो हो रहा है। जिन्होंने हट के सोचा ना, जिन्होंने थोड़ा सा सोच के सोचा, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का फिजिक्स में इंटरेस्ट था, बाकी सारे सब्जेक्ट में उनका डब्बा गोल था, उनको एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि इंग्लिश में भी, इसमें भी, उसमें भी, बाकी सारे सब्जेक्ट के अंदर भी तुम्हारे एवरेज नंबर आएंगे तो जाके तुम्हें उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा। कहता नहीं है मेरा इंटरेस्ट किसी के अंदर, कुछ समझ नहीं आता। तो उसको ना उस समय पर मेंटली रिटार्डेड बंदा भी डिक्लेयर किया गया था। कहता कि मैं नहीं समझ पाता यार, बाकी चीजें मुझे नहीं करनी है, बट समहाउ एनी हाउ कोई एडजस्टमेंट करके उनका स्विट्जरलैंड वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ। लेकिन ध्यान पूरी तरह से फोकस उनका फिजिक के ऊपर था। तो उन्होंने भीड़ से अलग सोचा और डीप डाइव सोचा, डिफरेंट हो गए। एलन मस्क ने डिफरेंट तरीके से सोचा। धीरू भाई अंबानी जो है वो सोच रहे हैं केला सिल्क के बारे में, बिजनेस को डिफरेंट तरीके से करने के बारे में, लाइसेंस को खत्म, जो जो कुछ लोगों के हाथ की वो चीजें बन चुकी थी उसको डिफरेंट तरीके से करने की बात की। इंफोसिस के जो इंजीनियर हैं उन्होंने जॉब ज्वाइन की और छोड़ दिया, छोड़ दिया और कहा कि नहीं, हम सॉफ्टवेयर ना इस एस्पेक्ट से हम बनाने वाले हैं। हैवल वाले कीमत राय गुप्ता जी का तो मालूम ही है आपको क्या हुआ था। लाइक देयर आर नंबर 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 ऑफ पीपल, एवरीबॉडी जो आज आपको सुपर सक्सेसफुल लग रहा है, वो जिस जर्नी से गुजर कर आया है, उन्होंने ना एक डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू किया। इनफैक्ट सोचना शुरू किया, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट लाइक दैट, कहीं हम भी उस 95% में एक आम भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए हैं। कैश फ्लो के लिए ना क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, या तो जॉब कर रहे हैं तो सैलरी मिल रही है, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर से भी तो बिजनेस ओनर क्या लेता है, सैलरी तो लेता है, डायरेक्टर सैलरी या रेंट या इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, किस पे, अपनी कंपनी से। तो एक रेगुलर कैश फ्लो का सोर्स क्या है हमारे लिए, या तो कहीं जॉब कर रहे हैं या अपने बिजनेस में एज ए सीईओ जॉब कर रहे हैं और वहां से हमें पैसे जनरेट हो रहे हैं, वहां से रेगुलर इनफ्लो हो रहा है। और वो जैसे तैसे लिमिटेड थिंकिंग के द्वारा जितना आ रहा है ना, वो हमने अपने माइंड के अंदर जो बो रहे हैं ना, उसी के कंसिस्टेंटली रिजल्ट पैदा हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर आप ना, जमीन पे किसान क्या करता है, खेती बाड़ी करता है, जो बीज बीजता है ना वही निकल के आता है, जो बीजता है वही उगा देती है। मदर अर्थ की ये खासियत है। क्या खासियत है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है ना कि जो भी हम जमीन के अंदर बोएंगे वो हमें मिल जाएगा। और माइंड भी ना एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, माइंड वर्क्स द सेम वे। अर्ल नाइटिंगेल कह रहे हैं, इस बात को समझ लो, इस बात को ना पक्का कर लो, विश्वास कर लो, जैसे किसान जो भी बोता है जमीन में वही उगता है, उसी तरीके से माइंड के अंदर हम थिंकिंग कर ही नहीं रहे, थिंकिंग कर ही नहीं रहे, थिंकिंग नहीं कर रहे, ना थिंकिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, कुछ उग ही नहीं रहा, बंजर जमीन। जो कर रहे हैं, जो क्राउड कर रही है, जो भीड़ कर रही है, बस करते चले जा रहे हैं, जो क्राउड ने कहा कर दिया। डोंट जस्ट फॉलो एज इट इज व्हाट द क्राउड इज डूइंग। हम अपनी दिमाग रूपी जमीन के अंदर कुछ भी बुआई नहीं कर रहे वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक आइडिया ना जिसको अब बहुत डीपली लव करते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो आपका ना वन थिंग है जिससे शिद्दत से आप प्यार करते हो, वो एक वन वन आइडिया बस, उसके ऊपर ना थिंकिंग शुरू कर दो और वर्क ऑन इट कर दो। देखो आप तो रोज ही काम करते हो, हफ्ते के 6 दिन काम करते हो, आप 52 हफ्ते काम करते हो, सालों साल काम करते चले जा रहे हो। तो अब ना उस एक आइडिया को पकड़ के ना पहले थिंकिंग स्टार्ट कर दो, उसके अराउंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू कर दो, उस आइडिया के अराउंड वर्क करो, स्टडी करो, और डीप जाओ, और डीप जाओ। एलन मस्क की कोई 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 क्वालिफिकेशन थोड़ी थी, उसने पकड़ के पूरी की पूरी रॉकेट साइंस को ना केवल स्टडी कर लिया बल्कि इंप्लीमेंटेशन करके, ज्वाइंट वेंचर करके, जाने क्या क्या कर दिया, उसी के अराउंड थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। जो थिंकिंग हम अपने माइंड के अंदर बोएंगे ना, उसी के अराउंड पूरा का पूरा मैनिफेस्ट करते, वैसे ही लोग, वैसे ही आइडिया, वैसे ही विचार, वैसे ही फ्रीक्वेंसी, वैसी वाइब्रेशन होने वाली है आपके अराउंड में। तो वो वन आइडिया
कौन सा है जो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। अब उसके ऊपर एक्शन 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 एक्शन, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और आप कर रहे हो उस वन थिंग को थिंकिंग के द्वारा, थिंक करके उसके अराउंड जो आइडियाज आए, उसके अराउंड जो काम निकल कर आए, उसके ऊपर एक्शन 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 और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो नेचुरली ना अब आपके पास क्या हो गया, यू विल बी कंसिडर्ड एज दी नेशनल एक्सपर्ट इन जस्ट 5 ईयर। मात्र 5 सालों में ना आप राष्ट्रीय एक्सपर्ट बन जाओगे। उस चीज के मास्टर कहलाओगे, लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि यू आर नाउ गोइंग इनटू द लीप ऑफ दैट 5%। वो आइडिया मेरे दोस्तों, क्राउड के हिसाब से जो करते जा रहे हैं वही नहीं कर रहे, अपने वाले आइडिया के ऊपर। दोज 5 ईयर्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? जब आप थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहे हो। आज ना आप चाह रहे हो ना कंसिस्टेंट कैश फ्लो आपकी लाइफ के अंदर बना रहे, तो वो वाला पर्टिकुलर फील्ड, चाहे आप लिफ्ट के बिजनेस के अंदर हैं, चाहे आप हाउस कीपिंग के हैं, चाहे आप मेडिसिन के बिजनेस के अंदर हैं, चाहे आप विच एवर द बिजनेस यू आर इन, मैन्युफैक्चरर है, डेवलपर है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर है, जो आप कर रहे हो ना, एक बार इतना डीप सोच लो उसके बारे में, उसके अराउंड आइडियाज कर लो, उसके अराउंड एक्शन कर लो, उसकी मास्टरी कर लो। अब नाउ आप ना उसके अराउंड सुपर स्पेशलिस्ट हो। और एक काम आपने क्या करना है, एक काम वो जो 5% लोग कर रहे हैं कि 10% जो भी आप कमाओगे, जो भी आप कमा रहे हो, आप चाहे महीने का 10,000 कमा रहे हो कि 10 लाख कमा रहे हो कि 1 करोड़ कमा रहे हो कि 10 करोड़ कमा रहे हो कि 100 करोड़ कमा रहे हो, व्हाट एवर द अमाउंट यू आर अर्निंग, उसका 10% अपनी इनकम का 10% कंसिस्टेंटली आप डाल रहे हो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में, वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 रुपए भी कमाते हो, चल 10 रुपए कहाँ जाएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। ये गलती कर रहे हैं लोग, क्या कि वो कंसिस्टेंटली 10% नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डाल रहे। फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में जो पैसा जाता है ना, वो पैसे का जो इनकम अर्न होती है उस फाइनेंशियल से, वो भी रीइन्वेस्ट हो जाती है। मान लो इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट रीइन्वेस्ट होगा, रीइन्वेस्ट होगा, रीइन्वेस्ट होगा। ये 10% कंसिस्टेंटली, इधर से आप 5 सालों तक लग कर थिंकिंग करते हुए अपने उस आइडिया जिससे आप प्यार करते हो उस पे लगातार काम करते चले जा रहे हो, काम करते चले जा रहे हो। इस पूरे प्रोसेस में चाहे आपने 10 रुपए कमाए, चाहे आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, जो भी आप मंथली अर्न कर रहे हो उसका 10% जो फाइनेंशियल फ्रीडम में कंसिस्टेंटली डाल रहे हो ना, तो अब 8th वंडर की तरह आपका लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है। अब यहां से क्या हुआ, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको मालूम है कि सफिशियंट एप्रोप्रिएट वेल्थ ना क्रिएट हो रही है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इन 40 सालों के पीरियड के अंदर जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आप बोलोगे वाह, ओ माय गॉड, ये क्या क्रिएट हो गया। जब आप जिंदगी जी रहे हो तो अपने प्यार करने वाले आइडिया के बारे में सोच रहे हो, उसके ऊपर काम कर रहे हो, एंड यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। अब इस पूरी जर्नी के अंदर आप लाइफ के जिस भी स्पेस के अंदर हो, वहां पर 10% ऑफ द इनकम सीधी फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में चली जाती है। चाहे आपने सिप करा रखी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करा रखा है, 10% ऑफ द आपकी प्रेजेंट इनकम के बराबर का, तो वहां पर री इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। एट द सेम टाइम आप वेल्थ पे वेल्थ क्रिएट करते चले जा रहे हो, एट द सेम टाइम आप खुश हो क्योंकि आप थिंकिंग कर रहे हो, उसके अराउंड एक्शन कर रहे हो, और आपकी लाइफ के अंदर मात्र 5 सालों के अंदर मास्टरी क्रिएट हो रही है, मास्टरी मास्टरी क्रिएट हो रही है। कौन कह रहा है ये? अर्ल नाइटिंगेल के अंदर बहुत रिसर्च और स्टडी के बाद ये पॉइंट सामने रखा गया है। तो इसलिए आज मैं जेएसए ऑनलाइन के अंदर स्पेसिफिकली आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूं। आप भी देखा करो jsaonline.in पे जाकर, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट रजिस्टर और अपना क्वेश्चन पूछ लिया करो। द पॉइंट मैं आपको आज क्या लेकर आया, बड़ा शॉर्ट क्रिस्प, क्या बात की मैंने, कंसिस्टेंट 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 कैश फ्लो भी बात की। कंसिस्टेंट कैश फ्लो हमें जो चाहिए ना, वो अपने उस आइडिया से चाहिए। जो भी आप जॉब कर रहे हो, जॉब कर रहे हो बिजनेस के अंदर, एज ए बिजनेस ओनर आप एक रोल प्रोफाइल कर रहे हो और आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, उसका 10% आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन पॉइंट क्या था यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पर ये था
कि आप जिस चीज से प्यार करते हो, पैशनेट हो, उसके अराउंड थिंकिंग करते हो, दे रहे हो ना 1 घंटा रोज सुबह अपने आप को, अर्ली मॉर्निंग अपने आप से बात करते हो, नहीं करते? सोने से पहले अपने लिए टाइम निकालते हो? नहीं निकालते? आहा, शुरू कर दो, निकालना शुरू कर दो उसके अराउंड। आपने अपनी सेपरेट ब्लू कलर की डायरी, जो भी आपका कलर फेवरेट है, मेरा फेवरेट ब्लू है तो ब्लू कलर की डायरी, अगर रेड है तो रेड कलर की डायरी, वो आपकी थिंकिंग वाली डायरी अलग पड़ी हुई है ना सेपरेटली, जिसके ऊपर लिख के थिंकिंग करते हो। यू 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 थिंक ऑन पैड, थिंक ऑन पैड, लिख के थिंकिंग करते हो, जो विचार आपके माइंड में आ रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और लिख के थिंकिंग कर रहे हो उसके अराउंड। फिर आपके पास ऑटोमेटिकली आइडियाज आ रहे हैं, अगर आप एक्शन ले रहे हो, मास्टरी कर रहे हो। ये ना आज का बहुत ही डीप विचार है, जरा इसके बारे में भी आप थिंक करना। तो क्या कह दिया अर्ल नाइटिंगेल ने, क्या कह दिया अर्ल नाइटिंगेल ने? तो इसके बारे में ना आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल, इसको जरूर पढ़ना, एंड यू आर गोइंग टू लव इट, लव इट, लव इट। तो माय डियर फ्रेंड, कैसा रहा आज का टॉपिक अर्ल नाइटिंगेल की लाइफ में से, जो मुझे लगा कि यार ये तो पूरी की पूरी वेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर यू, एनीथिंग न्यू, एनीथिंग न्यू, कुछ आपके माइंड में विचार आया? लेट मी ओपन द, चेक द चैट बॉक्स। ओके, सो हियर इज द चैट बॉक्स, ये मैंने चैट बॉक्स को ओपन अप कर दिया है। यस, या तो नाउ जो मेरे साथ लाइव है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जरा बताओ हाउ इज द सेशन फॉर टुडे, कुछ ओपन अप हुआ? सुरेश जी कह रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। डॉक्टर संजय नरवाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड सेशन। ओके, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ, थोड़ा समय है हमारे पास, एक क्वेश्चन आपसे लेता हूँ। जब आप ये सेशन सुन रहे हैं तो क्या है आपके माइंड के अंदर, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या है आपके माइंड के अंदर? कोई क्वेश्चन आया क्या, कोई आइडिया आया, कोई एस्पेक्ट ओपन अप हुआ आपके लिए, एनीथिंग एनीथिंग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर? ओके, ठीक है, आप कह रहे हो कि एवरी सैटरडे ना न्यू आइडियाज आते हैं। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी कह रहे हैं जब इस सेशन में बैठे होते हैं, ये टाइम ही बड़ा अमेजिंग है इस तरह का। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का विचार टॉप पे चला गया है, थिंकिंग पैड का एक एस्पेक्ट आपको पता लगा कि थिंक ऑन द पेपर। और सुरेश कामत जी कह रहे हैं वी सेल्डम फील दैट मनी इज नॉट गुड। यस, तो मेरा आज के टॉपिक लाने का पर्सपेक्टिव ये था कि एक बार जब आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, जिस मोमेंट के ऊपर हो, उसको ना एक बार डीप डाइव में जाके चल के देख लेना कि जो आप आज कर रहे हो बिजनेस में या जॉब में, जो भी आप कर रहे हो, इसका फ्यूचर क्या है, इसका विजन क्या है, उसका वाई क्या है, वो कितना डीप जा सकता है, और वो किस तरीके से रियल इनडेप्थ वैल्यू ऐड कर रहा है, उसके अराउंड जब थिंकिंग कर रहे हो तो वैसे लाइक माइंडेड पीपल आपको मिलने वाले हैं लाइफ के अंदर। और 10% सीधा उठा के आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर पक्का 100% डाल ही रहे हो, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट चाहिए। यस, कैश रिच बनना और कम्युनिटी को सर्व करना आपकी तरह। अरे वाह, डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट। राहुल जी कह रहे हैं अमेजिंग सेशन, यू शेयर विद अस द सीक्रेट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम एवरी सैटरडे एंड थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू राहुल जी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सच अमेजिंग 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 वे। तो चलिए इसी तरह से ना कुछ मैं डिफरेंट लेके आता रहूंगा आपके लिए एवरी सैटरडे। तो आज के लिए कंप्लीट हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड, एंड सी यू वेरी सून नेक्स्ट सैटरडे। बाय, थैंक यू।